आज के हाथ धरलें तार पाशे थेके तार नाम जसवंत सिन्हा जी। आमरा सबाई ताके आंतरिक भावे ग्रहण करछि, निछक शुधु ग्रहणेर जन्य नय, भोटेर जन्य नय। आमरा गर्वित होच्छि एई कथा भेबे जे आमादेर दले एकजन মমতা ব্যানার্জী जेमन आछेन तेमनी तार आरेकजन सहयोगी हलेन, तार नाम भारतवर्षेर सकल मानुषेर काछे परिचित যশবন্ত সিনহা। সিনহা যশবন্তজি শুধুমাত্র বিহারের মানুষ নয়, তিনি নেতা হিসাবে, রাজনীতিবিদ হিসাবে সারা ভারতবর্ষের তার কন্ট্রিবিউশন লোকসভার ভেতরে এক অনবদ্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। আজকে আমরা গর্বিত যে তিনি আজকে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে একসঙ্গে এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেবেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের, এটা আমাদের অহংকারের। আমার নিজের ধারণা তিনি উপলব্ধি করেছেন যে ভারতবর্ষকে যদি পরিচালিত নিয়ন্ত্রিত করতে হয় সঠিকভাবে, তার অর্থনীতিতে, তার সমাজনীতিতে, তার ধর্মনীতিতে যদি সঠিক পথ দিকদর্শন করতে হয়, তাহলে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এই তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল নেই। তাই তিনি এটা উপলব্ধি করেই আমাদের দলে আজ থেকে যোগদান করবেন। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকে গ্রহণ করব এবং আমরা তিনি এসে আমাদের ধন্য করলেন, আমরা গ্রহণ করে তাকে ধন্য করলাম না। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পথপ্রদর্শক হিসেবে থাকবেন এবং সারা ভারতবর্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শ, তার নীতি তাকে আরও বিকাশ ঘটাবার ব্যবস্থা করবেন। আমরাও তার নির্দেশিত পথে আমরা নিশ্চয়ই আরও বেশি সহজ সরলভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। তো মমতাজি নে অফার কিয়া কি ও স্বয়ং হস্টেজ বনকে যায়েঙ্গে ওয়াহাঁ পর, আর শর্ত ইয়ে হোনি চাহিয়ে কি বাকি যো হস্টেজেস হ্যায় উনকো আতঙ্কবাদী ছোড় দেন আর ও উনকে कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थम्पिंग मेजॉरिटी को और थम्पिंग बनाए और बंगाल से एक संदेश जाए पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका पहला टेस्ट यहाँ पर है। आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कह के गए थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो मुझे कोई शक नहीं है कि बंगाल के भविष्य के लिए ये चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, देश के भविष्य के लिए भी ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 2024 का जो परिवर्तन का रास्ता है दिल्ली में, वो आज बंगाल से होके गुजरेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज का ये वक्त जो है वो बहुत ही विशेष है और आज मुझे जो भी छोटी मोटी ताकत मेरे पास है उसको हमको जोड़ना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के साथ और मिल के काम करना चाहिए। और इसलिए बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूर से नहीं बल्कि पास से, अलग रहकर नहीं बल्कि शामिल होंगे, मुझे तृणमूल कांग्रेस को और मजबूत करना चाहिए बंगाल में, इस चुनाव में, पूरे देश में, ताकि दिल्ली में 2024 का परिवर्तन संभव हो सके। तो ये मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता था। मैं आभारी हूँ अपने सारे वरिष्ठ साथियों का
और विशेषकर ममता जी से, क्योंकि उनसे हमारी सुबह मुलाकात हुई, बहुत लंबी मुलाकात हुई, लगभग 45 मिनट हम लोग रहे साथ और कई मुद्दों पर चर्चा हुई, उसी से थोड़ी देर हो गई यहाँ आने में। तो मैं अपने सारे साथियों का, विशेषकर ममता जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका आज के दिन दिया है। बहुत धन्यवाद।